गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा, जी हाँ, शिक्षकों की गुरु पूर्णिमा 5 सितंबर, शिक्षक दिवस। गुरु किसी भी रूप में हो सकता है, वह गुरु आपको सिखाने वाला हो सकता है, आपको जिंदगी की सीख देने वाला हो सकता है, आपको आगे बढ़ाने वाला हो सकता है। गुरु की कोई उम्र नहीं होती और शिष्य की भी कोई उम्र नहीं होती। खेल की बात करें तो बात आती है ताजा ताजा, जी हाँ ताजा ताजा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने बहुत बड़ी अभी उपलब्धि हासिल कर रही है। वो व्यक्ति का एक शख्स है जिसकी एक अपनी पहचान है, पुलेला गोपीचंद। जी हाँ, ये वही व्यक्ति है जिनके हाथ में एक रैकेट होता था और उस रैकेट के ऊपर चिड़िया ऐसे नाचती थी कि सामने वाला दंग रह जाता। पुलेला गोपीचंद ने बैडमिंटन में इतने कुशल हो गए कि 10 साल की उम्र में उनके चर्चे स्कूल में होने लगे और 1996 में उन्होंने अपना राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का पहला खिताब भी जीत लिया। उन्होंने 2000 तक एक श्रृंखला में 5 बार खिताब जीते। इसके बाद इम्फाल में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक भी जीता। इसी वर्ष गोपीचंद ने आंध्र प्रदेश राज्य की बैडमिंटन टीम का लीडरशिप भी किया और प्रतिष्ठित रहमतुल्ला कप जीता। उन्होंने 1999 अर्जुन पुरस्कार, 2001 में राजीव गांधी पुरस्कार और वर्ष 2005 में पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त कर लिया। ये बैडमिंटन अकादमी इन्होंने शुरू करी। गोपीचंद ने साइना नेहवाल, पीवी संधू ऐसे 2 नाम जो पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन कर गए और इन दोनों बच्चियों को ओलंपिक में मेडल जिता दिया। एक कोच के रूप में भारतीय बैडमिंटन में अपने योगदान के लिए 2009 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। ऐसे पुलेला गोपीचंद एक नहीं, हमारे देश के अंदर लाखों की संख्या में है। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु एक नहीं, लाखों की संख्या में है। सिर्फ जरूरत इस बात की होती है कि अच्छा गुरु मिल जाए और अच्छा शिष्य मिल जाए। तो इस शिक्षक दिवस पर इन गुरुओं को प्रणाम, बहुत बहुत ढेर सारा।